व्यक्ति आज 50 दिन विधायक का बिहार में नहीं जीत सका, वह व्यक्ति हमें समझाता है कि 50 से कम सीट जाएगा। अरे अपना बेड़ा पार किए और हमें समझाया जाता है, यह पेंडुलम तो इस पार ही है। उनको हर उस चीज से दिक्कत है जो उनको चने के झाड़ पर प्रधानमंत्री बनके गुंबज नहीं परवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खगड़िया पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने दौरे के दौरान जमकर जदयू पर हमला बोला और कहा कि जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के पास 50 एमएलए नहीं है, वो बीजेपी को 50 सीटों पर कैसे सिमट सकती है। ऐसे में जदयू मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जदयू का ये सपना धरा का धरा रह जाएगा और बिहार में बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहराकर 300 से अधिक सीटें अपने खेमे में लाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, किस तरीके से उन्होंने जदयू पर हमला बोला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है, आपको पहले उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम 50 से कम सीट पर हिंदुस्तान में संसद में भेजेंगे। जो व्यक्ति आज 50 दिन विधायक का बिहार में नहीं जीत सका, वह व्यक्ति हमें समझाता है कि 50 से कम सीट जाएगा। आज तक जीवन भर पेंडुलम की तरह कभी इधर सटे कभी उधर सटे और उसके सहारे अपना बेड़ा पार किए और हमें समझाया जाता है, यह पेंडुलम तो इस बार भी है लेकिन इस बार नया पेंडुलम है। अभी तो केवल इस पेंडुलम को भाजपा ही ठोक रही है, 6 महीना के बाद तेजस्वी भी ठोकेंगे और नीतीश जी पेंडुलम की तरह दोनों साइड पर चलाएंगे। देखिए, संपूर्ण विपक्ष जब कोरोना आया 6 महीने बीता तो बेचारा इंतजार करता रह गया, इसको लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो और हम लोग इसका बहाना कर सके। फिर रूस यूक्रेन का युद्ध आया, उसको लेकर के भी बेचारा इंतजार करते रह गए कि कुछ परिस्थितियां खराब हो। आज जब भारत 13% तेज रफ्तार से बढ़ रहा है तो वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो जिससे कि उनको लाभ हो। अमित शाह के उनको हर उस चीज से दिक्कत है जो उनको चने के झाड़ पर प्रधानमंत्री बनके गुंबज नहीं परवाए। दरअसल संजय जायसवाल ने बोला कि जिस व्यक्ति की पार्टी का बिहार में 50 एमएलए नहीं है, वो बीजेपी को 50 सीट पर कैसे सिमटा सकता है। जो व्यक्ति जीवन भर पेंडुलम की तरह इधर उधर किए हो, वो बीजेपी की को क्या शिकस्त देंगे। बीजेपी नालंदा से लेकर बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। वाणिज्य प्रकोष्ठ के कार्य समिति की बैठक के दौरान संजय जायसवाल ने यह बयान दिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया है कि बिहार में बीजेपी नालंदा से लेकर सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और बीजेपी को इससे कोई रोक नहीं सकता। रणनीति शुरू हो चुकी है, तैयारी शुरू हो चुकी है और जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबको ठगा है, वो बिहार की जनता अब उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। साथ ही साथ जो जिंदगी भर पेंडुलम की तरह इधर से उधर होते रहे, वो क्या बीजेपी को शिकस्त देंगे। वो तो पलचूराम है, उनका काम है तमाम पार्टियों को धोखा देना, पार्टियों से मुकरना, पार्टियों से पलटना। उन्होंने बीजेपी के साथ ही ऐसा किया है जिसका अंजाम उन्हें आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।